वेलकम टू ईगल न्यूज और सभी भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की धरती पे इंडिया ने बहुत ही आसानी से न्यूजीलैंड को पांचों मुकाबले में 1, 2, 3, 4, 5 बड़े मंच पे लगा दिया है। पंच बिल्कुल इंडियन टीम का एक अद्भुत प्रदर्शन रहा है और पिछले कई दौरों में इंडियन टीम ने कई टीमों के खिलाफ भारतीय धरती पर अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड की धरती पर उन्होंने पांचों मुकाबले बहुत ही आसानी से जीत लिए। बिल्कुल एक संघर्षपूर्ण मुकाबला बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि जीतने के बाद तो हमें ऐसा लग रहा है कि आसानी से जीत हासिल की है, बहुत मेहनत की है युवा खिलाड़ियों ने। जिस प्रकार से विराट कोहली की सेना ने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की है, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब हम कह सकते हैं। और आज का पांचवा मुकाबला जिस प्रकार से एक ग्राउंड पे जहां पर 199 का एवरेज स्कोर होता है, 163 इंडियन टीम ने बनाया, हालांकि विशेषज्ञ कह रहे थे कि 20 रन वहां पर शॉर्ट जरूर हुए टोटल में, लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी में आई थी, हालांकि विराट कोहली को रेस्ट दिया गया था, रोहित शर्मा को इस मैच में कैप्टनशिप मिली थी, लेकिन उन इंजरी की वजह से केएल राहुल को फील्डिंग के टाइम पर कैप्टनशिप की भूमिका निभानी पड़ी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हालांकि शिवम दुबे के ओवर में 34 रन वहां पर मिले थे, एक मोमेंटम बिल्कुल न्यूजीलैंड की ओर आ चुका था, क्योंकि थोड़ा सा टोटल कम था, फिर भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना मनोबल नहीं छोड़ा, दबाव बना के रखा न्यूजीलैंड टीम के लिए। और जो भी गेंदबाज को, नवदीप सैनी को, शरद ठाकुर को, सुंदर ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, पूरे गेंदबाजों ने इस मैच में अपना दमखम दिखाया और बहुत ही आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन एक काम मुकाबले में आसानी से जीत दर्ज की। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा है। थैंक यू।